Welcome to Fit Tak. My name is Varun Saklani and I work at Devil's Tattoos as a tattoo artist. So basically, जब आप घर जाते हैं तो उसके बाद जो भी आपका पैच है वो उतार के कोई भी लाइट सोप लिया उससे फोम बनाना है, फोम से मसाज करना है एक या दो मिनट के लिए, वॉश करा, रिंस करने के बाद आपको पैड ड्राई करना है किसी भी क्लीन क्लॉथ से, टाल टिश्यू जो भी आपको अवेलेबल है. उसके बाद आपको कोई भी लाइट एंटीबायोटिक क्रीम और एनी क्रीम दैट इज़ रिकमेंडेड बाय योर टैटू आर्टिस्ट उसको हल्का सा टैप करके पूरे टैटू पे आपको कवर करना है वेरी थिन लेयर. सो इस प्रोसेस के बाद जब तीसरे दिन से आपको इसको वॉश करना बंद करना होगा क्योंकि इस पर स्कैब फॉर्मिंग होने लग जाती है. तो जब स्कैब फॉर्मिंग होने लग जाती है तो आपको मिनिमम वाटर कॉन्टैक्ट रखना है टैटू के साथ. सो बेसिकली क्विक शावर्स, ओके, नो एप्लीकेशन ऑफ द सोप और एनीथिंग फ्रॉम द थर्ड डे. और इसके ऊपर जो स्कैब बनेगा उसको लाइटली मॉइस्चराइज करना है किसी भी लाइट मॉइस्चराइजर से, ओके, जो भी रिकमेंडेड आपका मॉइस्चराइजर होगा उससे एक या दो ड्रॉप, अगेन थिन लेयर, कॉज एक्सेसिव लेयर विल कॉज जस्ट हार्म टू द टैटू. सो बेसिकली ये करना है. ज़्यादातर लोग डर जाते हैं कि जब भी उन्हें लगता है कि ये स्कैब क्यों फॉर्म हो रहा है, ये पपड़ी क्यों बन रही है टैटू पे, बट इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ टैटू हीलिंग. उस पपड़ी को आपको निकालना नहीं है, उसको बस लाइट मॉइस्चराइज करते रहना है नेक्स्ट 5 to 7 days, 2 to 3 times दिन में, और उस कैप को नेचुरली उतरने देना. आपको पील ऑफ नहीं करना. अगर आप पील ऑफ करेंगे तो टैटू पिगमेंट्स जो आपने फ्रेशली कराए हैं वो सेटल नहीं होते टैटू पे, एंड देन इट डजंट हील वेल. द टैटू हैज़ टू बी टच्ड अप आफ्टर अ मंथ और टू. सो रादर देन गोइंग अगेन एंड गेटिंग इट रीटच्ड, आपको पहली बारी में ही उसके ऊपर लाइटली मॉइस्चराइज करना है, एक्सेसिव नहीं करना और स्कैप पील ऑफ नहीं करना. आपको माइंडफुल होना पड़ेगा थोड़ा बहुत उसके बारे में, जैसे कि एक्सरसाइजेस. सो जब भी आप फ्रेश टैटू कराते हैं, आई टेल माई क्लाइंट्स टू अवॉइड एक्सरसाइजेस फॉर एटलीस्ट अ वीक और टू. तो जो भी स्कैब होता है या कुछ भी होता है जब एक्सरसाइज करते हैं तो ओवर स्वेटिंग की वजह से अनहाइजीनिक होता है वो. तो इसलिए आप जिम या किसी भी टाइप का एग्रेसिव स्पोर्ट खेलने से बेटर है कि उसे अवॉइड करें एक या दो वीक, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं वंस द स्कैब इज पील्ड ऑफ. ऑल्सो आपको क्या अवॉइड करना है, स्विमिंग पूल्स. सो स्विमिंग पूल्स और सबमर्जिंग द टैटू बेसिकली इन एनी काइंड ऑफ लाइक वाटर बॉडी, कोई भी डर्टी वाटर बॉडी होगी, स्विमिंग पूल हो गया, बाथ टब हो गया, रिवर्स, ओशन, ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा बेसिकली 1 month तक, क्योंकि स्किन हील नहीं होती. सो टैटू इज़ बेसिकली अ स्क्रैच, लाइक अ स्क्रैच. तो अगर उस स्क्रैच को जो ओपन स्क्रैच की तरह है उसको अगर डर्टी वाटर से कॉन्टैक्ट में आएगा तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. इसलिए मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि ऐसी वाटर बॉडीज़ को अवॉइड करें 1 month के लिए. And after 1 month you can continue also waxing and shaving over the tattoo. Usually people see growth of hair on the tattoo, on the fresh tattoo, and then they are like, okay, we should shave it off and make it like more visible. तो वो आपको 1 to 1.5 months तक avoid करना होता है क्योंकि वो chances है आपकी skin जो नई form हो रही है वो बहुत thin होती है. तो उस layer को अगर आप shave करेंगे या wax करेंगे तो वो damage होने का chances है skin को, तो उसको अवॉइड करना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. और बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और बाकी तो आपका नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है जो भी आपका टैटू हील होगा उस हिसाब से. बट इन मेथड से आप बेसिकली टैटू अच्छे से हील कर सकते हैं. तो दिस इज़ द आफ्टर केयर दैट वी कंसिडर इज़ द बेस्ट फॉर टैटूइंग इन आवर केस.